चमोली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चमोली में बादल फटने से तबाही मची है। पोखरी तहसील के ताली अंसारी में बादल फटा है। रोड बना रही कंपनी के इंजीनियर की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो घायल हैं उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। तो चमोली से एक ये बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर जो है वो सामने आ रही है। चमोली में बादल फटने से तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं पोखरी तहसील के ताली अंसारी में बादल जो है वो फटा है, और बादल फटने से रोड बना रही कंपनी के इंजीनियर की मौत हो गई है। बताने बड़ी खबर इस वक्त चमोली से सामने आ रही है, जहां पर बादल फटने से एक इंजीनियर की मौत हो गई है। इसी के साथ साथ हादसे में 3 लोग जो है वो घायल भी हुए हैं, और जो लोग घायल हैं उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो वही हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे बादल फटने से इस वक्त चमोली में तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये क्योंकि रुद्रप्रयाग और चमोली के दिल्ली के बॉर्डर लगे गांव ताली अंसारी गांव में देर रात लगभग 3 बजे की घटना यह बताई जा रही है। और जो ताली अंसारी का जो गांव है उसके संख्या घर के पास जो सड़क बना रहे लोग वहां पे रह रहे थे, और अचानक से 3 बजे बादल फटने के जो मलबा आया था उसके नीचे लोग दब गए थे, जिसमें जो जूनियर इंजीनियर हैं जो रुद्रप्रयाग के रहने वाले बताए जा रहे हैं उनकी मौके से ही दर्दनाक डेथ हो गई है। और जो 3 लोग अन्य हैं उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में इलाज चल रहा है, और मृत्यु और बचाव कार्य के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन लोगों जो मलबे में दबे थे उन लोगों को निकाला था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि देर रात से जिस तरह की बारिश हुई उसके बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगभग आधी दर्जन जगह पे मलबा आने से बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण प्रशासन के सामने हो गई है। जी जी सुरेंद्र, चमोली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर बादल फटने से एक इंजीनियर की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।